इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मास दिवस कर दिवस भा, यह मर मन जाने रथ समेत रवि था, कब निसा कब विधि। मास दिवस कर दिवस भा, एक माह का दिन हो गया दिवस भा, केहू जान नहीं पाया हो। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत। अब उत्सव देखने कौन कौन आया, अत देखे महो सब देवता मुनि नाग लोक के नाग चले भवन अपने अपने घर चले, क्या अतो अपने अपने सौभाग्य को सराहते। ये जो कथा है बाबू दयाशंकर सिंह तो इसके निमित्त मात्र हैं कि भगवान ने उनको यश दिया कि बलिया में राम कथा हो, बाबा की राम कथा हो, अब निमित्त है। शेष हमारा सौभाग्य,
मैया बाबू जी सुन रहे हैं, इनका सौभाग्य, आप सभी श्रोताओं का सौभाग्य, इस भूमि का सौभाग्य और कर्ण मात्र का सौभाग्य। हम लोग जहां तहां गाते रहते हैं, किसके किसके सौभाग्य से भगवत चर्चा, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा, यज्ञ उत्सव होता है, हम आप नहीं जानते। बाबा कहते हैं, देवी यह शुभ चरित्र कौन, अतो भगवान के उत्सव में उपस्थित होकर आनंद प्राप्त करने का जो शुभ चरित्र है वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा है। सब नहीं जान पाते। पीछे जो लोग खड़े हैं, बीच में जगह है, बैठ जाए आके। अबे खड़ा होके वाला लोग देर में आई। गदा उदा लगल बा बैठी सबे। अब खड़ा होके सुनने की संकल्पना है तो बात अलग है, आराम से बैठे। अरे हमनी के जब कथा सुने जाई जा तो दरियो ना बिछावल है, मटिये पर बैठे के परे, ऐजा तो खुल लागल बा है। हाँ, तो भगवान की जिस पर कृपा होगी वह यह शुभ चरित्र जान सकता, जान पाता है, ये बाबा का निर्णय। यह शुभ चरित्र कौन, अतः उत्सव आनंद का, आनंद के उत्सव का। देवी काग भुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत से आए तो मैं भी उनके साथ चला गया। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, मंदिर दर्शन में, यज्ञ में, तीर्थ में, बतावे के सबके चाहिए, ले के केहू के ना जाए के चाहिए। कहे ढोला से न कथा समझ में आई, न तीर्थ समझ में आई। जितनी देर आदमी साथ रहेगा डिस्टर्ब किए रहेगा, चलो बहुत हो गया, चलो ओकरा बुझाते नहीं कि का होता है, जा बेमतलब एगो ला दिले आए हम। कभी भी तीर्थ यात्रा करना हो तो केहू को टिकट अपनी संगे ना बनवावे, काहे ऊ जइए ना कहिए कि अब हमरा के छोड़ के चल जाए। वहां कई लोग ऐसे हैं, तो हम तो क्या करते हैं, जब पहुंच जाते हैं तब बताते हैं हम भी आ गए, ले छोड़ गए आप हमको। अरे भैया छोड़ के तो जाना ही है, चाहे ये तीर्थ में जाइए चाहे वो तीर्थ में जाइए, कोई चलने वाला नहीं है, साथ नहीं। तो भरत जी गाएंगे, चल सत्कर्म करने के लिए सूचित करिए, ला दिए मत, चल चल। इसलिए देखिए कितनी कितनी निष्ठा और क्या स्थिति है मन की। बाबा ने कहा आप परम विदुषी हैं देवी, इसलिए एक चोरी की कथा आपको सुना। अरे रसरी लांघे खाते नहीं बनाई लो, रसरी बनाई लो कि वो के लांग ही मत ना, तो कल हमारा स्टैंड लगवावे के पड़ी। हाँ, ये बड़ा हमने के हैं गड़बड़। बैरिकेटिंग लागल बा, डंडा बांधल बा, आदमी बीच में घुस जाता, ढुक जाता। अरे भाई
व्यवस्था का पालन करिए, मर्यादा में रहिए। इधर आना है तो इधर से आइए। ये कथवा पूरी दुनिया में देखल जाता, चल जाइए हमने कहा। हाँ, तीन तीन को मशीन लागल बा चारों, आप यहाँ बैठ के बतिया भी नहीं सकते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देखिएगा तो उलझन होगी आपको। प्लीज, एक हमारे मित्र कहते हैं हमारी फोटो नहीं आती है, तो बच्चे कहते हैं कि आप मोबाइल छोड़ेंगे तब ना फोटो आएगी। पूरी कथा में मोबाइलें पर गुंगवाते रहते हैं। प्लीज आप टेक केयर, ठीक रही सब है, तनी अभ्यास होके राला कहो। तो माई के भी बाबा लेके नहीं गए हो, खाए अब न जाने कौना स्थिति में उजर है। एक बार अयोध्या, अयोध्या जी में अयोध्या का अलग आनंद है। अयोध्या में कुछ बुझाता बुझाता नहीं, आनंद आनंद रहता है, न दिन का पता चलता है न रात का पता चलता है। इसलिए बाबा कहे देवी बीठिन फिरे ही मगन मन भूले, कुल हेरा ही गए। जब आदमी मगन हो जाता है तो अपने स्वरूप का भी स्मरण नहीं रहता है। उस अवसर पर जो आया बधाई गाया, जिसने जो मांगा वही पाया। मन संतोषे सब निकर जहां तहां दे सकल तनय चिरजी बब तुलसीदास की। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे भगवान और तीनों भैया चिरंजीवी रहे, चिरंजीवी रहे, चिरंजीवी रहे। जो आया गाया मांगा वही पाया। गजरथ तुरग हेम गोही राधीने नृप नाना विधि मन संतोष। आज सबको भगवान के उत्सव में किसी का मन दुखी नहीं, सब आनंद आनंद आनंद। कितना आनंद, कुछ दिन बीता आनंद पूर्वक नामकरण हुआ, गुरुदेव भगवान आए, पूजन हुआ। चक्रवर्ती जी ने प्रार्थना पूर्वक सुना, हे सरकार चारों बच्चों के नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, छोटे हैं भरत, सबसे छोटे शत्रुघ्न उनसे जो बड़े हैं लक्ष्मण, चारों पुत्रों का नामकरण हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।